हे फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर करूं आज आप सभी के साथ सुपर 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 हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे आप अपने वेट लॉस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह ले सकते हैं, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं और इवन चाहें तो आप इसे लंच और डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही सिंपल है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल करीब एक छोटा चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी ऐड कर सकते हैं या तिल का तेल ऐड कर सकते हैं या जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो रेगुलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों दाना करीब आधा छोटा चम्मच। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, इसमें दो लोगों की सर्विंग है। पूरी रेसिपी में आपको करीब 404 से 405 कैलोरीज मिल रही हैं और प्रोटीन आपको इसमें 14 ग्राम के आसपास मिल रहा है। दो लोगों के साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, टोटली आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। तो अगर सिंगल सर्विंग में आपको बताऊँ तो 200 के आसपास आपको इसमें कैलोरीज मिल रही हैं। यहाँ पर सरसों दाना अच्छे से तड़क गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये फ्रेश करी लीव्स, आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। करी लीव्स वेट लॉस में हेल्प करती हैं, हमारे बॉडी से ख़राब टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी हैं, आप इसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमें लेनी है एक छोटी प्याज, इसको हम हल्का सा इसमें सॉटे करेंगे करीब 30-40 सेकेंड। गैस की फ्लेम को आप हाई टू मीडियम रख सकते हैं। ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, इसे मैंने एक दिन ट्राई किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है और बेस्ट बात यह है कि ये हर कोई खा सकता है, इसे आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा नाम। और एक बात और, आप में से कई लोग वेट गेन रेसिपीज़ के लिए भी बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको वेट गेन रेसिपीज़ चाहिए जिससे वज़न बढ़ता हो, तो मैं डेफ़िनेटली वो भी शेयर करूँगी। मैं बहुत ही कम वेट गेन रेसिपी शेयर करती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं ट्राई करूँगी कुछ अच्छा सा प्लान करके शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे करीब 40-50 सेकेंड तक मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँ हरी मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जितना तीखा आपको पसंद हो। साथ में मैं इसमें ऐड करूँ ये 20 ग्राम वज़न में हरी मटर। इन सब की कैलोरीज और कितनी पोर्शन में मैंने लिया है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंशन कर दूँगी। अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटर, एक छोटा टमाटर मैंने लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये 15 ग्राम सोक्ड पीनट्स, जिसमें कि स्प्राउट्स आ गए हैं, तो ये स्प्राउटेड पीनट्स हैं। आप चाहें तो नॉर्मल सोक्ड पीनट्स ऐड कर सकते हैं। ये भीगने के बाद वज़न में मैंने 15 ग्राम लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँ ये 50 ग्राम ब्लैक वाले चने का स्प्राउट्स, काला चना स्प्राउट्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्प्राउट्स कैसे बनाए अच्छे, उसकी रेसिपी शेयर करूँ, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है हल्दी, करीब 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, बाकी मैं इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सिंपल है और इसमें आपको कई सारे विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, उन सभी के लिए परफेक्ट है। अगर पीनट से आपको एलर्जी है तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी से कोई थायराइड पेशेंट है, किसी को PCOS जैसी प्रॉब्लम है, तो वो भी इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से करीब आप एक मिनट तक सॉटे कीजिएगा, फिर हमें इसमें ऐड कर देना है 2 बड़े चम्मच तक पानी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से कवर रहने देंगे। तो पूरे 5 मिनट हो गए हैं, कवर को ओपन करते हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो चने हैं, मूंगफली है, टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है पोहा। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पोहा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और करीब 5 मिनट तक मैंने इसको रहने दिया। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आपको थोड़े थिक वाले पोहा लेने हैं, आप यहाँ पे चाहें तो रेड पोहा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा पहले, फिर इसमें ऐड कीजिएगा और अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे।
बहुत ही यमी ये लगता है खाने में, इसके लिए प्लीज़ एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिएगा आप। मैं इसको स्प्राउट्स पोहा नाम दे रही हूँ, आपके माइंड में अगर कोई और नाम आता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब पोहे के साथ हम लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, तो करीब 3-4 मिनट हो गए हैं। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, वरना जो पोहा होते हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते हैं। बहुत ही यमी हमारा ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। बिलीव मी, इससे टेस्टी ब्रेकफास्ट ना आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आप इसे अपने लंच बॉक्स में, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, और ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। तो यहाँ पे पोहे को मैंने गैस पर से उतार लिया है, धनिया ऐड करना मैं भूल गई थी, तो धनिया ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास हो, और बस फटाफट आप इसको सर्व करके मतलब खा सकते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ, 2 लोगों की सर्विंग है, पर सर्विंग में आपको इसमें सिर्फ 200 के आसपास कैलोरीज मिल रही हैं। थोड़ी सी हरी धनिया में और स्प्रिंकल कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, प्लीज़ 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 रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पिक्चर्स चाहें तो मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरी ID Learn Lively, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।